उज्जैन केंद्रीय जेल से कोरोना वायरस के चलते आज लगभग 475 बंदी पेरोल पर 60 दिन के लिए रिहा कर दिए गए। जेल सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर द्वारा चर्चा में बताया गया कि उज्जैन जिलाधीश शशांक मिश्रा व उज्जैन SP सचिन अतुलकर द्वारा जेल में बंद बंदियों को पेरोल पर 2 महीने के लिए रिहा कर दिया गया है। उनकी जाने की व्यवस्था की गई। जेल प्रशासन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद दिया गया। सभी बंदियों के लिए लगभग 10 बसें लगाई गई थीं, जिनके उनके घर में जेल सुरक्षाकर्मी के साथ पहुंचाया गया। रिहा होने के पहले जेल सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर द्वारा सभी बंदियों को समझाया गया और घर पर ही रहने का बोला गया। साफ सफाई घर पर ही रखने का बोला गया। घर से बाहर नहीं निकलने को बोला गया। बस में बैठाकर उन्हें रवाना कर दिया गया। बंदी द्वारा जेल सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया गया। रवाना होते हुए बस में हाथ हिलाकर मैडम द्वारा उनका उद्बोधन दिया गया। ईमानदारी से पालन करने का वादा किया गया। उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट। किसी का जीवन लिया, किसी को जीवन दिया। एक चलो अगर पेरोल से जाते हैं तो वो सजा में नहीं सकते। अरे यार मतलब सजा नहीं पड़ती, बस बाद में चप्पल पे रहना। भगवान ना करे लगातार ये सुरभान, तू तो वास्तव में शिक्षा है। रास्ते में चल के अभी कोई करा दो। हां बोलो भाई। यदि कोई रास्ते में करा तो देवास की ओर निकाल बंदी फटाफट। शासन द्वारा जो है बंदियों को जो नियमित रूप से पेरोल जाते हैं, ऐसे समस्त बंदियों को 60 दिन का विशेष आपात महामारी पेरोल दिया गया है, जिसमें जो है हम लोगों ने जो है आज 475 लोगों को हम छोड़ रहे हैं। और इसमें चूंकि बाहर जो है लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में बंदियों को घर में जाने में समस्या उत्पन्न होती, तो हमने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से सहयोग लेते हुए यह बस का अरेंजमेंट किया है। और ऐसी 10 बसों से हम इनके 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 घरों में इनके जिलों तक पहुंचाएंगे नियरेस्ट, ताकि वहां से अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। कहां कहां के लोग इसमें शामिल हैं? इसमें पूरे उज्जैन संभाग के बंदी शामिल हैं। विशेष रूप से जो है उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, कुछ 4-5 बंदी ऐसे हैं जो कि राजस्थान के भी हैं, तो हम उनको राजस्थान की बॉर्डर तक छोड़ेंगे, वहां से उनके परिजन उनको लेके जाएंगे। इस बस में हमारे यहाँ से एक सिपाही हमने डिप्यूट किया है, जो पूरी बंदियों की जिम्मेदारी उसकी रहेगी, और पूरे बंदियों की लिस्ट और उसको कहाँ कहाँ उतारना है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बंदियों को उनके घरों के पास में सुरक्षित उतारेंगे। इसके साथ साथ में जो है कुछ महिलाएं भी 3-4 छूट रही हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला प्रहरी इस बस में उनके साथ जाएगी और उनको उनके घरों पे छोड़ेंगे। कुल कितने बंदी है? 475 बंदी अभी जा रहे हैं।